शांति। आज की तारीख है 10/4/21 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक, मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों को युक्तियों पर युक्तियां सिखलाते हैं ताकि हम बच्चे उन युक्तियों को यूज करके और एक ही बाप को याद करना सीख जाएं और एक बाप को ही याद करें। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे पतित जगत से नाता तोड़, एक बाप से बुद्धि योग लगाओ तो माया से हार हो नहीं सकती। प्रश्न है, समर्थ बाप साथ होते हुए भी यज्ञ में अनेक विघ्न क्यों पड़ते हैं, कारण क्या है? उत्तर, ये विघ्न तो ड्रामा अनुसार पड़ने ही है, क्योंकि जब यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े तब तो पाप का घड़ा भरे, इसमें बाप कुछ कर नहीं सकते। यह तो ड्रामा में नूंद है, विघ्न पड़ते ही हैं और पड़ने ही हैं, लेकिन विघ्नों से तुम्हें घबराना नहीं है। बाबा कहते विघ्न तो आएंगे, पर हम अपनी स्थिति कैसी रखें, निर्भय रखें। गीत बजा है, कौन है माता कौन पिता है, छोड़ दे बालक तेरा जग से नाता। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक, माया की बॉक्सिंग में कभी भी हार न हो, इसका ध्यान रखना है। कल्प पहले की स्मृति से अपनी अवस्था को जमाना है, खुशी और शांति में रहना है। नंबर दो, अपना भला करने के लिए श्री मत पर चलना है, इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना है। माया के तूफानों से बचने के लिए चित्रों को सामने रख बाप और वर्षे को याद करना है। वरदान बाबा का, निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञान दाता सो वरदाता भव। बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय निर्बल आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है जो वो जंप दे सके, उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए, शक्ति चाहिए। तो आप विशेष आत्माओं को स्वयं में विशेष शक्ति भर करके उन्हें हाई जंप दिलाना है। इसके लिए ज्ञानदाता के साथ साथ शक्तियों के भी वरदाता बनो। रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है, इसलिए वरदानी बनकर अपनी रचना को सर्व शक्तियों का वरदान दो। अभी इस ही सर्विस की आवश्यकता है। स्लोगन, साक्षी होकर हर खेल को देखो, साक्षी हो हर खेल को देखो तो सेफ भी रहेंगे और मज़ा भी आएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम।
शांति।